हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं, तो आ जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और लंच में आपको कुछ हेल्दी खाना और टेस्टी खाना है, तो इस मूंग दाल स्प्राउट्स पुलाव को ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। अगर आप इसे डेली बनाकर खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा ये। तो चलिए फटाफट देखेंगे इसे कैसे बनाते हैं। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करेंगे मूंग दाल स्प्राउट्स पुलाव बनाने में। तो अब गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रखेंगे, इसमें घी, बटर या ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं घी ऐड कर रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। अब घी को गर्म होने देंगे। अगर इस पुलाव को आप डेली बनाकर खाना चाहते हैं, तो घी बटर को छोड़ के ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। तो घी गर्म हो गया, अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, 1 फूल चक्र ऐड कर देंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दालचीनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जीरा और खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें 1/3 कप मूंगफली ऐड करेंगे, 8-10 काजू ऐड करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 स्लाइस में कट किए हुए प्याज ऐड करेंगे, 1 चॉप की हुई गाजर ऐड करेंगे, 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 कप मूंग दाल स्प्राउट्स ऐड कर देंगे और 1/2 कप चावल ऐड करेंगे। तो चावल को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब चावल और स्प्राउट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से ड्राई मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एकदम थोड़ा सा गर्म मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मसालों को भून लेंगे। फिर इसमें 1 कप पानी ऐड करके लिड से कवर करके 1 विसल आने तक पका लेंगे। तो प्रेशर कुकर में 1 विसल आ गई। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे। तो प्रेशर कुकर हमारा ठंडा हो गया। चलिए अब लिड को हटाते हैं और स्प्राउट्स पुलाव को चेक करते हैं। तो पुलाव हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब पुलाव को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे 1 प्लेट में सर्व करेंगे। तो देख सकते हैं कि स्प्राउट्स पुलाव हमारे एकदम खिले खिले बने हैं। तो आज हम अपने मूंग दाल स्प्राउट्स पुलाव को मूंग दाल स्प्राउट्स रायते के साथ एंजॉय करेंगे। आप इसे चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस मूंग दाल स्प्राउट्स पुलाव को बनाइए और खुद खाइए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए। तो आज मेरे मूंग दाल स्प्राउट्स पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।